बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज की समाचार समीक्षा में हम बात करेंगे द हिंदू से एक रिपोर्ट की, जो जिसका शीर्षक है आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया रेटिंग एजेंसी। ये हेडलाइन है। और इसके जो रिपोर्टर कह सकते हैं विकास धूत हैं। आगे ये लिखती है, ये इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमिड इंडियाज डिजिटल इंफ्रापुश, ये इंफ्रापुश 16 मंत्रालयों के साथ जुड़कर एक अभियान कह सकते हैं कि किस तरह से जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने किस तरह से सुदृढ़ करना है, आगे बढ़ाना है, इसको लेकर एक आप प्रेरणा कह सकते हो, अभियान महत्वाकांक्षी अभियान कह सकते हो। मूडी सेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफन डिनाइज सर्विस टू यूजर्स, क्वेश्चंस रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, वांस ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। यानी ये जो सुरक्षा और जो निजता है उसको ये चेतावनी है देता है, जो इस टाइम जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट है कि जो ये सर्विस है, जो हालांकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल प्रोग्राम है, विश्व का सबसे बड़ा जो इसको कार्यक्रम कहा जा सकता है, बावजूद इसके ये किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ये उस पर बात कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय दायित्व का आकलन करने वाली जो निवेश सेवा है वो मूडी है जी। तो अब भारत के आधार प्रोग्राम के बारे में ये इसका कहना है कि जैसे भारत का आधार प्रोग्राम, जैसे केंद्रीकृत जो पहचान व्यवस्था है, इसको सेंट्रलाइज सिस्टम है पहचान का, अब किससे पहचान करते हैं, वो हमारी आंखों की पुतली और इसके फिंगर से, प्रिंट से। तो इसकी चाहे वो ये सरकारी हो या कोई भी उसकी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पहचान है, लेकिन इसकी इसका है क्या जो सिस्टम है, वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो भी काम नहीं करता, अगर थोड़ी नमी हो तो उसमें वो काम नहीं करता। और आमतौर पर जो हमें जो परिणाम मिलते हैं इसके वो भी है, अगर हम देखते हैं कि ये व्यवस्था जो है सुरक्षा और निजता के संवेदनशीलता के प्रति चिंता व्यक्त कर रही है, जो मूडी है, इसने कहा कि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम है, बावजूद इसके ये जो है जो सही काम नहीं कर रहा, ये इस पर चिंता व्यक्त की गई है। अब यूनिक आईडी का जो है हम बात करते हैं तो इसकी व्यवस्था को लेकर वो कहते हैं अमूमन इसका जो परिणाम है वो मना ही होता है, काम ही नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं होता। तो ये अखबार में लिखा हुआ है, ऐसे में गर्मी और नमी का जो स्थिति है उसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। आधार से हम क्या, हमें किस तरह से पहचान होती है, हमारे फिंगरप्रिंट और जो है पुतलियों की, आँख की पुतलियों की के माध्यम से सरकारी और निजी सेवाओं की पहचान को ये सक्षम बनाता है, लेकिन सक्षम तो तभी बनाएगा ना जब ये काम करेगा ढंग से। तो इस तरह से आज जो खबर जो मेन है वो यही है कि आधार जो है अनरिलायबल, अविश्वसनीय जो ये इसकी पहचान का जाए, अविश्वसनीय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नमी में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें काम नहीं कर रहा ढंग से, ये चिंता का एक विषय है। और ऐसी खबर जो है ये आज छपी है द हिंदू में। तो इसको हम किस तरह से और सुदृढ़ बना सकते हैं, किस तरह से और भी इसको अपडेट कर सकते हैं, जो सिस्टम जैसे बताया है कि ये वाली जो हमने आपसे बात कही कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ये काम नहीं करता, और जो यूनिक आईडी है इसका भी जो है वो आमतौर पे ये रिस्पॉन्ड करता नहीं ढंग से। तो ये जो खबर छपी है इस, ये कहने को तो यूं ही है कि भाई ये ठीक है, ये टेक्निकल या कुछ काम ऐसे कोई कमी होगी, लेकिन है चिंता का विषय। आज जो एक ये दस्तावेज है हमारा आधार कार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसको हमें किस तरह से समझना है और किस तरह से इसको दूसरों से आइडेंटिफाई, पहचान जो है उसको किस तरह से हमने वेरीफाई करवाना है, और क्या सिस्टम है इसकी व्यवस्था, अगर वो सुदृढ़ नहीं है, वो कहीं कमज़ोर है, कहीं जिसमें फ्लॉ है, यानी कोई कमियां हैं, तो वो दूर जब तक नहीं होती
तब तक इसमें जो है ये एक चिंता का विषय है। तो आज की जो हमारी जो समाचार समीक्षा है उसके हमने दी हिंदू से लिया है, तो इसको थोड़ा सा ये एक और बात है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज़ कॉशन्ड अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम सच एज आधार एज दे पोज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी। हेयर आर ए फ्यू वार्निंग फ्रॉम फर्म विच ऑफर्स क्रेडिट रेटिंग सर्च एंड रिस्क एनालिसिस। तो ये इस फर्म के बारे में कहा गया है कि ये वार्निंग जो देती है किसके बारे में देती है वार्निंग, वो क्रेडिट रेटिंग के बारे में, जो मैंने कहा ना वित्तीय जो आकलन होता है उसके क्रेडिट रेटिंग है, रिसर्च है, अनुसंधान है, और ये एक रिस्क है यानी जोखिम जो होगा इससे उसके बारे में ये चेतावनी देती है। तो अब समझना सभी को है, हम सभी हैं, देशवासी हैं, नागरिक हैं, हमें ही समझना है ये सब। ये अगर अखबारें ये छापती हैं या जो कुछ इतने जानकारी रखती हैं तो इसके कोई मायने तो होते हैं। तो ये थी हमारी आज की समाचार समीक्षा। तो कल फिर हम एक नए समाचार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।